If you haven't checked yet, I will put the link in my description box. Please check out. So, मैं कुछ hacks देख रही थी, मुझे कौन से hacks try करने चाहिए. उसी बीच मुझे इतने ज़्यादा weird और बहुत ही ज़्यादा foolish hacks मिले 5 minute craft की तरफ से. तो मैंने सोचा, why shouldn't I share these hacks with you guys? And ये hacks बहुत ही ज़्यादा funny, dumb and बहुत ही foolish हैं, वाहियात जिसे हम कह सकते हैं. या तो let's get started. हैक नंबर वन में दीदी ने लिया है ये वैक्यूम क्लीनर. और दीदी जी इस वैक्यूम क्लीनर की हेल्प से अपने बालों को कर रही हैं कर्ल. ओह माय गॉड, द फर्स्ट रिएक्शन व्हेन आई सॉ दिस हैक इज व्हाट द वैक्यूम क्लीनर. हम घर की सफाई करने के लिए लेते हैं, ना कि अपने बालों का सफाया करने के लिए. दिस इज वेरी वियर्ड. ले लिया है वैक्यूम क्लीनर एज यू कैन सी एंड आई एम वेरी स्केयर्ड राइट नाउ. बहुत ज़्यादा क्या बोलूँ मैं, कुछ बोल ही नहीं सकती अभी. तो मैं इसे लगाती हूँ एंड देन आती हूँ. बालों को गंदा करना है तो आप इस हैक का जरूर ट्राई कीजिए. वाहियात. ओके गाइस, तो उस बेवकूफ पंती के हैक के बाद हम ट्राई करेंगे दूसरा हैक. तो देखते हैं. तो दूसरे हैक में दीदी जी ने लिया है ये कप के ऊपर लगा दिया है लिपस्टिक एंड उस लिपस्टिक को अपने होठों पे चिपका दिया है. क्या बोलूं मैं, आई एम स्पीचलेस. तो मैंने ले लिया है ये कप एंड इस पे तो गांधी जी बने हुए हैं. गांधी जी के साइड पे बिल्कुल लिपस्टिक नहीं लगाएंगे. ओके, तो मैं इस पे लिपस्टिक लगाती हूँ. अगर आपको लिपस्टिक को बर्बाद करना है तो आप इस हैक को ट्राई कर सकते हैं, या फिर आपके पास कुछ ज्यादा लिपस्टिक हो गई है. मैंने लिपस्टिक रिमूव कर ली है एंड इधर मैंने लिपस्टिक लगा दी है जैसे भी लगी, आई डोंट नो, बट ट्राई करते हैं. ये नीचे तो लग गई, ऊपर कैसे लगेगी. ओह माय गॉड, लुक एट माय फेस. कितने अच्छी तरीके से लिपस्टिक लगी है ना. तो ये हैक बहुत ही ज्यादा वाहियात है. इसमें आपको एक कप को चुम्मा देना पड़ता है ना चाहते हुए भी, और रिजल्ट क्या मिलता है आपने देख लिया था. जोकर अगर आपको बनना है तो आप इस हैक को ट्राई कर सकते हैं. सो गाइस, मूविंग ऑन टू अवर अनदर वाहियात हैक. तो इस हैक में दीदी जी ने ले लिया है ये कैंची और इस कैंची से अपने बालों को काट दिया है और उसका बना लिया है एक ब्लेंडिंग ब्रश, आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रश. ये मेरे बाल मुझे गंजा करा कर ही मारेंगे लगता है आज. अगर मेरी मम्मी को पता चल गया कि मैंने अपने बाल काटे हैं तो कहीं वो मेरे बालों का झाड़ू ना बना दे. थोड़ा ना खराब सा लेते हैं बाल. जस्ट लुक एट दिस, हाउ ब्यूटीफुल है ना. तो मैंने ले लिया आई शैडो पैलेट एंड लेट्स सी. मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता ये काम करेगा क्योंकि ऐसा ब्लेंडिंग ब्रश थोड़ी होता है. Oh my God, what a brush! Few
यू वॉन्ट दिस फ्लॉलेस आई शेडो देन आपको जरूरत पड़ेगी इस ब्रश की, सच अ ब्यूटिफुल ब्रश, है ना। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट हैक। सो ये हैक मुझे कुछ हैक जैसा लग रहा है पहली बार, क्योंकि इसमें फॉइल पेपर लिया है दीदी ने, और दीदी ने एलोवेरा जेल लिया है और उसे अपने डार्क सर्कल्स को हटा लिया है। तो लेट्स सी, एलोवेरा जेल जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बहुत यूज़फुल होता है हमारी स्किन के लिए। मैंने इस फॉइल पेपर के टुकड़े कर लिए हैं ताकि मेरी आँखों में अच्छे से फिट हो जाए। अब मैं ले रही हूँ एलोवेरा जेल, दिस इज़ पतंजलि एलोवेरा जेल, एंड मैं उसे लगाऊंगी जहाँ मेरे डार्क सर्कल हैं। वेट करेंगे 10 मिनट्स का और 10 मिनट्स के बाद इसे हटा देंगे। सो आफ्टर 10 मिनट्स मैंने इसे रिमूव कर लिया है, एंड एज वी नो बहुत अच्छा रहता है स्किन के लिए, बट आप फॉइल पेपर का यूज़ ना करिए। हो सकता है इससे वॉर्म हो जाए आपका एलोवेरा जेल, ताकि आपके डार्क सर्कल को हाइड करने में, मतलब जल्दी से हाइड हो सके, आपके डार्क सर्कल हेल्प करे हाइड करने में डार्क सर्कल। सो नेक्स्ट हैक में दीदी जी ने लिया है ये क्रेयॉन और पेंसिल कलर्स, और इन पेंसिल कलर्स को रख दिया है उन्होंने वॉर्म वाटर में, और उसके बाद उससे अपना आईलाइनर लगाया, कलरफुल आईलाइनर। सो अगर मैं आपको सजेस्ट करूँ तो मैं आपको बिल्कुल भी नहीं ये रिकमेंड करूँगी कि आप पेंसिल कलर्स या फिर क्रेयॉन को अपनी स्किन फेस पे लगाएं, बिकॉज अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो रिएक्शंस हो सकते हैं, क्योंकि पेंसिल कलर में ऑलरेडी केमिकल्स होते हैं। तो मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी लगाने के लिए। सो गाइस, मैंने इन क्रेयॉन पेंसिल कलर्स को निकाल लिया है और ये अभी भी थोड़े से गीले हैं, एंड लेट्स सी, मैं आपको इसे अपने हाथ पे लगा के दिखाऊंगी। वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मुझे बहुत ही फन लगा ये वीडियो बनाने में, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरी फटी भी सबसे ज्यादा तो तब जब मैंने बाल काटे, बिकॉज आई लव माय हेयर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कैसा लगा। बाय बाय।